ब्रेड मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, उसके किनारे वाले ब्राउन पार्ट को काट के अलग कर देंगे। ये बिल्कुल यूनिक सब्जी है, एक बार आप ज़रूर बनाइए। अब इन ब्रेड को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे, तोड़ देंगे इसको इसी तरह हाथ से और इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब एक बाउल लेंगे और इसमें आपको जो भी सब्जी पसंद है या जो भी आप डालना चाहें, हमने इसमें बंद गोभी, गाजर, एक छोटा बंद गोभी, दो गाजर, दो शिमला मिर्च, दो प्याज बारीक काट के लिया है। इसे हम बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें हम जो हमने ब्रेड पीसा है उसे भी डाल लेंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे एक बारीक कटी हुई और इनको हम हाथों से मिक्स करेंगे। इनको हाथों से मिक्स करके डो बनाना है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, कढ़ाई गरम होने देंगे तेल, और ये जो हमने डो बनाए हैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, इनको हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हाथ में आप ऑयल लगा के बनाएं, ये बहुत आराम से बन जाता है। ये देखिए, हल्के हाथों से बनाएं। इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। आंच को हम बिल्कुल मीडियम करेंगे, गैस के आंच को मीडियम करेंगे और इसमें धीरे धीरे हम सारे बॉल्स को डाल देंगे। गैस को मीडियम ही रखें क्योंकि तेज आंच में अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए गैस को मीडियम आंच पर रखें और इसे आराम से पलटते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लें। ये देखिए हमारे मंचूरियन बॉल्स तैयार हो गए हैं, उनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, इसमें हम लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे। दो मिनट इन्हें भूनेंगे।
इसमें हम प्याज डालेंगे, थोड़े थोड़े मोटे प्याज हमने काटे हैं, ये देखिए इनको हम डाल देंगे इसमें तेल में। इनको भी लहसुन के और अदरक के साथ भूनेंगे। ये भी हम भून लेंगे, 5 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए वीडियो ही रखें, शिमला मिर्च भी बिल्कुल प्याज के साइज पर कटा है, इसे भी डाल देंगे। इसे भी डालकर हम भूनेंगे। इसे भी प्याज के साथ ही भून लेंगे और इसे हल्का सा पकाना है, हल्का सॉफ्ट करना है, इसलिए हम इसे ढक कर भूनेंगे। एक बार चेक कर लेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे। ये देखिए भून गया है, मैंने सॉफ्ट भी हो गया है। 2 मिनट इसे और भून लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने 2 चम्मच अरारोट पाउडर घोला है, इसे भी डाल देंगे। गैस बिल्कुल धीमा रखेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे, भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब उबाला आने देंगे। ये देखिए हमारा ग्रेवी अच्छा तैयार हो रहा है, इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम सारे मंचूरियन बॉल्स इसमें डाल देंगे। सारे मंचूरियन बॉल्स डाल के ये मिक्स कर लेंगे। हमारा मंचूरियन तैयार है, इनको हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। ये हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मंचूरियन बॉल्स बना है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये ब्रेड से बना है।